हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्ष मोटो वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेस के गियर ऑयल चेंज करेंगे। तो उसके लिए ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो बोल्ट है ये खोलने पड़ेंगे हमें, और नीचे वाला ड्रेन करने के लिए, पुराना ऑयल ड्रेन करने के लिए हमें खोलना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो गियर ऑयल चेंज करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए रहेंगे और एक गियर ऑयल का बॉक्स चाहिए रहेगा। तो मैं आपको गियर ऑयल बता देता हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मोटुल का गियर ऑयल है, बट मैंने इसको दूसरी बोतल में रख लिया है क्योंकि मोटुल की जो पैकेजिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें से ऑयल लीक कर रहा था। तो मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसको रख दिया है। और हमें चाहिए रहेंगे दो डिस्पोजल्स, और हमें एक्सेस 125 के टूल किट में से 13 नंबर का स्पैनर चाहिए रहेगा। तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं टूल किट को। तो इस टूल किट में से हमें 12 और 13 नंबर का स्पैनर निकालना है गियर ऑयल का बोल्ट ओपन करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए 12 नंबर का है ये। बस हमें ये एक ही स्पैनर चाहिए गियर ऑयल ड्रेन करने के लिए। तो ये नीचे मैंने डिस्पोजल रख लिया है और मैं नीचे ड्रेन वाला बोल्ट खोल देता हूँ गियर ऑयल का। तो इसके लिए हमें, मैंने जैसा कि आपको बताया, 12 mm का स्पैनर चाहिए एक्सेस के लिए। तो हम दोनों बोल्ट्स को एक साथ में खोलेंगे ताकि अंदर ऑयल जितना भी है सारा सही तरीके से बाहर आ जाए। तो दोनों को साथ में खोलना है हमें। इसे केयरफुली खोलना है ताकि ज़रा सा भी ऑयल ज़मीन पर ना आ जाए। तो ये हमने ड्रेन बोल्ट, अब मैं खोलने जा रहा हूँ। और ये हमने ड्रेन बोल्ट खोल लिया है और अब हम ऊपर वाला बोल्ट भी खोल लेंगे ताकि जो ऑयल है वो पूरा बाहर आ जाए। तो ये वैसे गियर ऑयल अभी अच्छा है, 6000 किलोमीटर पे चेंज हो रहा है ये। कंपनी रेकमेंड करती है कि 10000 किलोमीटर पे इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं 6000 पे ही कर रहा हूँ। तो इसे हम पूरा ड्रेन होने देते हैं। दोस्तों बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हुआ है इसका, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है ये। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसे 10000 पे चेंज करेंगे। तो पूरा गियर ऑयल निकालने के लिए हम गाड़ी को थोड़ा सा झुका लेंगे। तो मैं गाड़ी को अभी थोड़ा सा झुका देता हूँ। दोस्तों मैंने गाड़ी को झुकाने के लिए एक नई टेक्निक बनाई है, तो मैं आपको वो टेक्निक एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग मेन स्टैंड और साइड स्टैंड को एक साथ लगाएंगे। आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कैसे करना है वो। तो अभी मेन स्टैंड पहले से लगा हुआ है, अब हम साइड स्टैंड लगाएंगे और उसके बाद में हम गाड़ी को झुका देंगे। उससे गाड़ी, आप सोच रहे होंगे, गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिरेगी वो। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए साइड स्टैंड भी लगा हुआ है, मेन स्टैंड भी लगा हुआ है। अब हम गाड़ी को थोड़ा सा झुका देंगे। तो ये मैंने झुका दिया और अब देखिए और भी ज़्यादा गियर ऑयल आने लगा। तो हमें गाड़ी को झुकाना चाहिए ताकि जो पूरा गियर ऑयल है वो बाहर आ जाए। जो सबसे काला ऑयल निकलता है गियर ऑयल में, वो सबसे एंड में ही निकलता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि गियर ऑयल का कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो रहा है, तो एंड में ही सबसे गंदा गियर ऑयल निकलता है। तो अब देखिए इसमें टिप टिप करके निकलने लगी है। तो हम गाड़ी को थोड़ा सा सीधा करेंगे। ये देखिए एकदम काला हो चुका है गियर ऑयल और इसमें से अब बूंद बूंद करके निकलने लगी है। तो हमारा पूरा गियर ऑयल ड्रेन हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा व्हील्स को रोटेट करेंगे ताकि जितना भी गियर्स में लगा हुआ गियर ऑयल है वो सारा बाहर आ जाए। तो अब हम गाड़ी को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, गाड़ी को सीधा करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने गाड़ी को टेढ़ा किस तरह से किया है। तो ये देखिए
आगे से इसकी कुछ ऐसी लुकिंग है, गिर नहीं रही है गाड़ी लेकिन टेढ़ी हुई हुई है, और पीछे से कुछ इस तरीके से। तो ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि आप गाड़ी में कभी भी गियर ऑयल निकालें तो इस तरीके से निकालें ताकि जितना भी गंदा गियर ऑयल है वो पूरा बाहर आ जाए। तो बस इतना ही था, और अब हम लोग गियर ऑयल को साइड में रख लेते हैं पुराने वाले को, और अब हम इसमें नया गियर ऑयल भरेंगे। तो ये मैंने पूरा गियर ऑयल निकाल लिया इसमें से, और अब हम इसका नीचे जो ड्रेन बोल्ट है वो वापस लगा देंगे। सिर्फ एक बोल्ट वापस लगाएंगे क्योंकि हमें ऊपर वाले बोल्ट में गियर ऑयल भी भरना है। तो ये इसका नीचे वाला ड्रेन बोल्ट है, इसे हम हल्का सा कस देंगे हाथों से ही, और जो ऊपर वाला बोल्ट है उसमें हम गियर ऑयल भरेंगे नया। तो हमें इसे ओवर टाइट नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट करना है, नहीं तो इसकी थ्रेडिंग चली जाएगी। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये गियर ऑयल इतना ज़्यादा काला नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें गियर ऑयल में 50 ml लिखा हुआ है, तो हम इसमें 50 ml गियर ऑयल ही डालेंगे। तो हमारे पास में एक इंजेक्शन पड़ा हुआ है 10 ml का, तो हम उसमें 5 injection टोटल डालेंगे। तो मैं गियर ऑयल को पहले इसमें डिस्पोजल में डाल लेता हूँ अलग से, फिर उसके बाद में हम गाड़ी में गियर ऑयल पोर करेंगे। तो ये देखिए, ये नया गियर ऑयल है और ये मोटल वाला गियर ऑयल है। मोटल की पैकेजिंग अच्छी नहीं थी तो उस वजह से मैंने उसे इसमें डाला हुआ है। तो ये नया गियर ऑयल है हमारा। और हमें चाहिए इसके लिए एक इंजेक्शन, तो मैं आपको, ये देखिए ये वाला इंजेक्शन है 10 ml का है, ये मैंने इसे भर लिया है और अब मैं इसमें गाड़ी में पोर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक हाथ से ये गियर ऑयल भर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा स्किप कर करके बताऊँगा। तो ये मेरा ये लास्ट वाला, ये जो 5वां इंजेक्शन है, ये भी मैं भर दूँगा, और आप देखिएगा इसके बाद में अब गियर ऑयल बाहर आएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने गियर ऑयल बाहर आ गया और ये मैंने इसमें लगा दिया वापस। तो इसे हमें पहले हाथ से टाइट करना है, फिर उसके बाद में हमें इसे स्पैनर से टाइट करना है। तो ये देखिए, नीचे गियर ऑयल थोड़ा थोड़ा ढुल चुका है, और अब हम इसे स्पैनर से टाइट करेंगे। तो इसे टाइट कर लीजिए, अच्छे से टाइट कर लीजिए, और बस यही था इस वीडियो में। हमारा गियर ऑयल पूरा चेंज हो चुका है, और जो बाकी का गियर ऑयल जो ढुला हुआ है उसे आप अपने व्हीकल से साफ कर लीजिए किसी कपड़े से, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको ओल्ड वाले गियर ऑयल दिखाता हूँ एक बार। तो मैं आपको ओल्ड वाले में और न्यू वाले में डिफरेंस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ओल्ड वाला गियर ऑयल वहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये हल्का फुल्का ब्लैक हो चुका है, हल्का फुल्का क्या, ज़्यादा ही ब्लैक हो चुका है थोड़ा नए वाले से। तो और ये नया वाला गियर ऑयल थोड़ा सा बचा हुआ है जो। तो यही था वीडियो में, आज हमने आपको बताया कि एक्सेस 125 में गियर ऑयल कैसे चेंज करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।